कभी कोई परफॉर्मेंसेस, कुछ परफॉर्मेंसेस देख के अल्फाज कम पड़ जाते हैं, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे क्या फीलिंग हुई पवन। एक तो ये जो दो गाने हैं, इनमें वैसे ही एक इनहेरेंट दर्द है, और वो दर्द को आपने एक और लेवल दे दिया। अच्छा चलता हूं, मुझे हमेशा लगता था कि सिंगिंग की दुनिया में एक सेंसेशन आया था कई साल पहले, जिसका नाम था अरिजीत सिंह। और जब अरिजीत सिंह गाता था तो ऐसा लगता था कि उनका दर्द हमारे दिल को जाके छू गया है। कई सालों बाद मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी की आवाज में मैंने वही दर्द पाया, वो तुम्हारी आवाज में पाया। क्या बात है। ओह माय गॉड। मैं दिल से चाहूंगा कि जो तरक्की और सक्सेस अरिजीत सिंह पा चुके हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, मैं चाहता हूं कि वही तरक्की आपके कदमों तक आ जाए। माय गॉड। आप छोटे शहर से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, और आपने भी स्ट्रगल किया होगा यहां तक, इस मंच तक पहुंचने का। सबने स्ट्रगल किया है, और मैं उस स्ट्रगल को, मैं उस सफर को, मैं तहे दिल से मैं सलाम करता हूं, और ये दिल से मैं दुआ देता हूं कि वाकई कि अगर कोई है, यूनिवर्स है या खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो सब सुने और पवनदीप को ऊंचाई तक ले जाए। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।